Hello, guten Abend. Is my voice clear? Is the screen visible? Okay. So, in the last lecture, what we have seen is मोडल वर्बन, राइट? क्योनन हमारा पहले हो गया था, उसके बाद हमने देखा था म्यूसन उन ड्यूरफिन, राइट? अभी हमारे दो और मोडल वर्ब्स, म्योगेन भी एक है, और दो मेन वर्ब्स, मोडल वर्ब जो बचे हैं वो है वोलन उन जोलन, ओके? जिनका इस्तेमाल हम ये लेक्चर में करेंगे. उसके पहले थोड़ा सा ड्यूरफिन और म्यूसन के ऊपर जो हमने लास्ट टाइम पे स्लाइड देखा था ना, उसका और एक एक्सरसाइज हमारा करना बाकी है. सो विल डू दैट फर्स्ट एंड देन विल मूव ऑन टू वोलेन उन जोलेन. सो ये पिक्चर याद है आपको, ये पिक्चर देखा हुआ, देयर फूस गेंगर मूस वार्टेन. एक सिग्नल है, सिग्नल पे कौन से कलर का लाइट है, रेड लाइट है या ग्रीन लाइट है, उसके हिसाब से हमने लास्ट टाइम पे सेंटेंसेस में मूस ओडर डार्फ, मतलब म्यूसिन ओडर ड्यूरफिन, ये दोनों में से कोई एक मॉडल वर्ब यूज किया था, राइट? तो वैसे इस ये एक चित्र, और अभी इसके ऊपर ये एक एक्सरसाइज हमें करना है, मतलब हम लोग बोलेंगे कैसे, पूरा का पूरा सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे. लास्ट टाइम में हमने क्या किया था, एमसीक्यू के टाइप था, तीन ऑप्शंस दिए गए थे और हम सेंटेंस कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है? इसमें कोई एक बंदा पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट करेगा कि उसको क्या लगता है. नूमर आइंस में क्या दिखाया गया है, जैसे फूसगैंगर के बारे में है. सो नूमर आइंस मूस वार्टेन, वारुम क्यों उसे रुकना है, दी एम्पल इस्ट रोड, वाज बेडॉटेड दी एम्पल, दी एम्पल नुमर आइंस मूस वार्टेन दी एम्पल इस्ट रोड. दी एम्पल का मीनिंग क्या हो सकता है? लाइट और नहीं, सिग्नल, मतलब जो सिग्नल का लाइट है वो, ट्रैफिक लाइट, करेक्ट. देन जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला सेंटेंस है, वो आपको कैसे फ्रेम करना है. नुमर फॉर एग्जांपल, अभी इसमें हमने देखा कि नुमर स्वाय दार्फ निश्ट फारेन ओडर मूस आउख वार्टेन रेस्ट कॉम्प्ट आइन. अभी रेस्ट मतलब राइट हैंड से, तो अगर हम नंबर टू देखेंगे तो राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से कुछ आ रहा है क्या? हाँ. सो रेस्ट कॉम्प्ट आइन फराड ओडर आइन बूस, ऐसा कुछ सेंटेंस हम लोग फ्रेम कर सकते हैं, ओके? सो हमारे हिसाब से करना है. तो ये दोनों जो स्लाइड्स है ना, उनको कंबाइन करके मैंने ये स्लाइड बनाया. तो सिर्फ इतना बताओ कि आपको स्लाइड पे जो नंबर है वो क्लियरली दिख रहे हैं. अभी तो हमें वो जो एमसीक्यूज वाले जैसे ऑप्शंस थे वो पढ़ने नहीं है, राइट? तो अगर वो क्लियरली थोड़े से ना दिखे तो भी चल चल जाएगा. जैसे लेफ्ट हैंड वाला पिक्चर है, उसमें आपको सिर्फ नंबर और जो लोग हैं, जैसे फाराड है, बुस है, ये सारी चीज़ें अच्छे से दिखना ज़रूरी है. तो वो सब कुछ दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड के पिक्चर में. या ऑर्डर नाइन, लेफ्ट हैंड साइड के पिक्चर का क्लियर दिख रहा है ना थोड़ा सा तो? या ओके. सो उस हिसाब से हमें थोड़े से सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं. यहाँ पे जो पहले दो सेंटेंसेस ये वाले थे, वेर मूस वार्टन, तो वो हम क्लियर कर लेंगे कि कौन से नंबर्स में हमें
जो लोगों को वेट करना ही चाहिए, ऐसे कौन लोग हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे पहला हमने देखा कि नुमर आइंस मुस वार्टेन, तो उसको क्यों रुकना है तो वो क्लियर हो गया। व्हाट अबाउट नुमर स्वाय, नुमर स्वाय मुस आउक वार्टेन, क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड से रेस्ट कॉम्ट आइन वागेन, एक कार आ रही है और बस, अगर हम उसको बस बोलेंगे तो बुस कुछ भी, जो भी कुछ आ रहा है उस हिसाब से हमें यहाँ पे सेंटेंस करना है। थर्ड सेंटेंस का क्या होगा? उंड नुमर, अभी और कौन सा नंबर है इसमें कि जिसे कंपलसरी रुकना ही है, तो थर्ड सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? यस, थर्ड, और एक कौन सा नंबर है जिसको रुकना जरूरी है? वन हो गया, टू हो गया, थ्री कनफारन ऐसा है, जो बाइसिकल वाली लड़की है, नुमर फ्यूम मुस वार्टेन दा इस्ट आइन स्टॉप शील्ड, वॉज बेटर डेट स्टॉप शील्ड। ये बोर्ड लगाया हुआ है स्टॉप का, सो दैट इज स्टॉप शील्ड। सो उन नूमर फ्यूम आउस मुस वार्टन, ओके, ये तो जो तीन नंबर्स है उन्हें वेट करना है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम लोग उसके सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, जिसके आगे के सेकेंड सेंटेंस में हमने रीजन भी दिया है कि क्यों उस बंदे को रुकना है। फॉर एग्जाम्पल, द एम्पलिस्ट रोड, क्या रीजन है पहले वाले का? कि सामने जो सिग्नल है, ट्रैफिक लाइट है, वो रेड कलर का है, इसलिए उसे रुकना है। सेकेंड वाले को रुकना है क्योंकि उसके राइट हैंड साइड से एक कार आ रही है। थर्ड जो नंबर फाइव है, थर्ड सेंटेंस मतलब नंबर फाइव, उसको भी रुकना है, क्यों? क्योंकि उसके सामने स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ है। ओके, या दस स्टिम्प, मतलब क्या? यस, आई अग्री विथ दिस ऑर्डर। व्हाट यू कैन से इज नाइन, दस स्टिप्ड निस्ट, मतलब नहीं ऐसा नहीं है, इश ग्लाउब, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपकी कोई और राय हो तो, अभी ये पिक्चर देख के तो हमें साफ साफ समझ में ही आ रहा है कि ये तीनों सेंटेंसेस करेक्ट है, कौन से नंबर्स को रुकना है उस हिसाब से। ठीक है, अभी जैसे हमने ये चीज़ का किया, वेर मुस वार्टन का किया, सिमिलरली हमें ये वाला एक्सरसाइज करना है, वेर दार्फ गेहन, मतलब हु इज अलाउड टू गो। ओके, वेर दार्फ फारन डिस्कुटियरन जी इमकुर्स। तो अभी फर्स्ट सेंटेंस, आप तीनों सेंटेंसेस आप आपके नोटबुक में कंप्लीट कर लो। ओके, जैसे नूमर स्ट्रास दार्फ गेहन, जो पिक्चर आपको दिख रहा है उसमें से कौन से नंबर्स को जाना अलाउड है, और आगे के सेंटेंस के साथ आपको वो नंबर कंपेयर करना पड़ेगा। दी एम्पल इस्ट ग्रीन, मतलब किसी के सामने का जो ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन कलर का है, इसलिए दैट पर्सन और दैट व्हीकल इज अलाउड टू गो, राइट? तो वो हिसाब से आप थोड़ा सा देख लीजिए कि कौन सा नंबर वहाँ पे आएगा, सेकेंड सेंटेंस में कौन सा नंबर आएगा और थर्ड सेंटेंस में कौन सा नंबर आएगा। ओके, तो ये हिसाब से तीनों सेंटेंसेस आप आपके नोटबुक में लिख के रखिए, मैं एक एक को पढ़ने के लिए बोलूँगी। 5 मिनट देती हूँ आपको कि आप ये सेंटेंसेस फ्रेम करके रखिए आपके पास। कौन से सेंटेंसेस नुमर से वेर दार्फ गेहन के नीचे जो सेंटेंसेस है ना, नुमर डैश डैश दार्फ गेहन दी एम्पल इस्ट ग्रून, ये वाले सेंटेंसेस। ठीक है मैम, तो इसमें क्या करना है? इसमें कौन से नंबर को, आपके बगल में एक पिक्चर भी है लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, जिसमें मैम, नंबर्स है, हाँ, तो कौन सा नंबर, जैसे हमने अभी वेर हुस वार्टन में किया कि जैसे नंबर वन को रुकना था क्योंकि उसके सामने रेड सिग्नल है, नंबर दो को रुकना था क्योंकि उसके सामने से एक कार आ रही है, नंबर थ्री को नंबर फाइव को रुकना था क्योंकि उसके सामने स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ है, वैसे ही किन चीज़ों में आपको ऐसा दिख रहा है कि दैट पर्सन कैन गो और दैट व्हीकल इज अलाउड टू गो, अगर उसके सामने ग्रीन सिग्नल है, या फिर वो जाने के लिए किस कंडीशंस में अलाउड है, तो कौन से नंबर्स को जाना अलाउड है, ये आपको इसमें लिखना है। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट करते वक्त नूमर, नूमर मतलब कौन सा नंबर आपको ऐसा दिख रहा है कि जिसके सामने ग्रीन सिग्नल है, सो दैट दैट पर्सन कैन गो। इज इट क्लियर?
नो अर्डअप, मैंने टाइम दिया आपको लिखने के लिए वो सेंटेंसेस, इसलिए मैंने म्यूट करके रखा था कि बैकग्राउंड नॉइज ना आए। ओके, हो गया लिख के तीनों सेंटेंसेस, तीनों चारों जितने भी आपको ऐसा लग रहा है पिक्चर देखे कि जिसमें डार्फ गिहन आ सकता है और डार्फ फारेन आ सकता है, उतने सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हो। एटलीस्ट थ्री जो सामने दिया गया है वो हो गए। या ओडा नाइन, या ओके जेरो। राहुल जो फर्स्ट ऐसा करो, जो सेकंड सेंटेंस है ना, नुमर डैश डार्फ फारन डाइस्ट काइन शील्ड, उसका नंबर बता दो सेकंड सेंटेंस। आठ, नुमर आठ, डार्फ फारन डाइस्ट काइन शील्ड काइन, ओके। वारुम दिश नुवर नॉइन, इश क्लाउबर नुमर नाइन इज ट्रिस्टिश। नुमर नॉइन दर्फ फारेन द इस्ट काइन शील्ड ओडर काइन आम्पेल या ओडर नाइन या इफ वी सी दैट नंबर एट हैज कम फ्रॉम हियर देन ही वॉज नॉट अलाउड टू कम बट ही केम, राइट? इफ ही हैज कम फ्रॉम हियर देन इट वॉज ओके, बट देन अगेन हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दोनों का टक्कर होना भी पॉसिबल है। सो नंबर नंबर आठ ओर्डर नंबर नाइन मुस वार्टन, किसी को एक को तो रुकना पड़ेगा वहां पे, ठीक है? तो एक्ट भी रिस्ट्रिश हो सकता है, नाइन भी रिस्ट्रिश हो सकता है, एनीथिंग कैन गो इफ विथ सेकेंड, बिकॉज किसी के भी सामने ना ही सिग्नल है ना ही शील्ड है, स्टॉप शील्ड सिंबल जो इसका है रुकने के लिए या किसी भी चीज का वो। ओके, डन। अर्णव नूमर आइंस, मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका कैसे क्या होगा, कौन से नूमर डैश डार्फ गेहेन, और आप अगर माइक ऑन करके पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सिर्फ नंबर टाइप मत करो, जो सेंटेंस है वो पढ़ लो। यस, फॉर नंबर वन, फॉर दिस सेंटेंस इसका मतलब क्या है, नुमर सम नंबर दार्फ गेहेन इज अलाउड टू गो वारो दी आम्पल इज ग्रीन, क्योंकि जो सिग्नल है वो ग्रीन है, सो दैट पर्टिकुलर नंबर कैन गो, और यहाँ पे गेहेन लिखा है। ओके, हम वर्ब पे भी फोकस कर सकते हैं, जैसे गेहेन है, सो गेहेन यूजुअली किसके साथ आएगा, जो पैदल चल रहा है, तो उस हिसाब से आप नंबर डिसाइड कर सकते हो, जो पैदल चल रहा है उसमें से भी अगर दो लोग हैं तो दोनों नंबर्स आएंगे। नूमर या नूमर नूमर ड्राई और नूमर सीवन। वेरी गुड ऋषिश, नूमर ड्राई दार गेहन दी एम्पल इज ग्रीन, नूमर जीबन आउख नूमर जीबन दार्फ आउख गेहन दी एम्पल इज ग्रीन। ओके, करेक्ट, यू कैन स्विच ऑफ योर माइक, वेरी गुड।
श्लोक फॉर थर्ड सेंटेंस। नम्रतार फारन दाइस्ट इज शील्ड उंड काइन आम्पेल नंबर मैम एक्ट ऑर्डर नाइन, ये नाइन इसका भी हो गया। नाइन हाँ अभी थर्ड सेंटेंस के लिए इश ग्लाउबर। न्यूमर दार्फ निक्त फाइन गेहन दा कौन सा आक्ट नंबर? आक्ट आठ। दार्फ निष्ठ फारेन ओडर गेहेन या ऋषि, जो ये वाला नंबर है इसको। अभी यहाँ पे भी आठ उडर उंड नाइन दोनों आ जाएंगे, क्योंकि जो हमने लास्ट सेंटेंस में हुआ था किसी एक को वो एट और नाइन में से रुकना है, तो यहाँ पे भी नुमर आठ ओडर नुमर नाइन नाइन दोनों आ सकते हैं। ओके अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ऐसा है, श्राइबेन से सुजामन सुयेडर नंबर। ओके मतलब क्या है कि जैसे नंबर वन के लिए ऐसा यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है आपको पिक्चर में लेफ्ट हैंड साइड में, नुमर आइंस के लिए क्या सेंटेंस फ्रेम किया गया है, देर फूस गेंगर मूस वार्टन। राइट मतलब जो ये पैदल चलने वाला बंदा है उसे रुकना है, मूस मस्ट ही मस्ट वेट ऐसा सेंटेंस है। तो हम लोग इसको और कैसे फ्रेम कर सकते हैं, यही सेंटेंस हम और कैसे बोल सकते हैं, मीनिंग चेंज नहीं करना है बट वर्ड्स कैसे चेंज कर सकते हैं, देर फूस गेंगर दार्फ निश गेहन। राइट मतलब ही इज नॉट अलाउड टू गो एर मुस वार्टन। क्लियर मतलब एक ही सेंटेंस है वो हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो देर फूस गेंगर मुस वार्टन मतलब ही मस्ट वेट, और सेकेंड देर फूस गेंगर दार्फ निश गेहन। ओके मतलब ही इज नॉट अलाउड टू गो, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। राइट वर्ब हम लोग चेंज कर रहे हैं, वार्टेन का गेहन हो रहा है मेन वर्ब, और जो मोडल वर्ब है वो मुस का दार्फ कर रहे हैं, म्यूसन का ड्यूरफेन कर रहे हैं। ओके हम लोग भले ही वर्ब्स बदल रहे हैं हमारे सेंटेंस का मीनिंग सेम रह रहा है। ठीक है तो ऐसा एक सेंटेंस जो आपके पिक्चर में ना दिया गया हो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, और उसके आगे उसी सेंटेंस को आप और तरीके से जो फ्रेम किया है, मतलब जैसे देर फूस गेंगर मूस वार्टन उसी का सेम सेंटेंस सिर्फ एर यूज करके किया है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर हो चुका है देर फूस गेंगर, और उसी का हमें प्रोनाउन यूज करना था सेकेंड सेंटेंस में, इसलिए एर मूस वार्टन किया। ओके तो ऐसा जैसे नुमर आइंस के लिए बनाया है सिमिलरली हम लोग नंबर नाइन तक फ्रेम करेंगे। ठीक है नंबर टू तो वहां पे दिया ही है, दस आउटो दार्फ निष्ठ फारेन एस मूर स्वार्टन, सेम ही है जैसे नंबर टू है। अभी हम लोग नंबर थ्री में आपको करके बताती हूँ, उसके बाद 4 to 9 सेंटेंस आपको करने हैं। ओके नंबर थ्री ऐसा है, दिफूस गेंगर इन दार्फ गेहन मतलब शी इज अलाउड टू गो, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, दिफूस गेंगर इन मुस गेहन एस ओडर दी फूस गेंगर इन मुस निष्ठ वार्टन जी दार्फ गेहन। ओके उसे वेट करना नहीं चाहिए बिकॉज शी इज अलाउड टू गो। ठीक है समझ में आ गया कैसे सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हो, उसको ही चेंज करना है बस, जहाँ पे ड्यूरफिन है वहाँ पे आप म्यूसिन का इस्तेमाल करो, वार्टन ओडर गेहन का ओडर फारन, ये अभी फारन और गेहन इसमें आएगा कि कार है या कोई इंसान के बारे में है, और वार्टन अगर आपको मुस के साथ मोस्टली वार्टन जाएगा, या फिर कैसे आपके सेंटेंस का मीनिंग हो रहा है उस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ गया, नंबर ड्राई मैंने करके बताया है आपको, जो सेंटेंस पिक्चर में है वो ऐसा है डिफ्यूज गेंगर इन दार्फ गेहन, तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं डिफ्यूज गेंगर इन मुस निष्ट वार्टन, निष्ट वार्टन को ही हम लोग दार्फ गेहन भी बोल सकते हैं ना, कि उसे वेट करने की जरूरत नहीं है, शी कैन गो, और उसका ही आगे सेंटेंस आएगा जी दार्फ गेहन। इज इट क्लियर क्या करना है, समझ में आ गया, ऐसे आपको 4 to 9 सेंटेंसेस के लिए करना है। या इज इट क्लार और निष्ट क्लार, जेरी गुड देन स्टार्ट डूइंग इट, आई विल गिव यू अगेन 5 मिनट्स, 7, 8, 9, 6 मिनट देती हूँ, हर एक सेंटेंस के लिए 1 मिनट मिलेगा आपको। ठीक है जो ओरिजिनल सेंटेंस है मैम क्या उसका वो, करना है?
हाँ जैसे देखो अभी नंबर 4 है, नंबर 4 भी मैं करके बताती हूँ थोड़ा सा। हम दास ऑटो। हाँ दास आउटो, अभी उसका क्या आ सकता है, करेक्ट आंसर क्या होगा इन तीनों में से? मुस्फार है। मुस्फारन, ऋष्टिश। तो अभी उसमें हम लोग क्या, क्या इसे चेंज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? दास आउटो, दार्फ फारन, मतलब इज अलाउड टू गो, एस ऑर्डर, या एस मुस निष्ट वार्टन। ओके, मतलब उसका मीनिंग बगैर चेंज किए आप फारन ऑर्डर वार्टन इसको चेंज करोगे और मुस उंड दार्फ इसको चेंज करोगे। ठीक है, अभी जैसे देखो सेंटेंस का मीनिंग हमें क्या रखना है कि दैट ऑटो शुड गो, ऑटो मस्ट गो, राइट? मस्ट गो का अपोजिट क्या हो सकता है? इज नॉट अलाउड टू वेट, और इज मस्ट नॉट वेट, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो, दस आउटो मुस निष्ट वार्टन, एस मुस फारन। ओके, अगर सिग्नल ग्रीन है तो आप रुक नहीं सकते ना वहां पे, पीछे से बाकी की गाड़ी आएंगी, तो ऐसे आपको चेंज करना है। थोड़ा सा ट्राई करो, आपको एक सेंटेंस के बाद समझ में आ जाएगा। ओके ओके हाँ,
ओके हो गया लिख के सारे सेंटेंसेस। या ऑर्डर 9 9 ओके विल वेट फॉर अनदर 1 or 2 मिनट्स देन विल स्टार्ट। हेलो मैम। ओके हाँ हो गए बोलो श्लोक। मैम मेरा इंटरनेट इशू था तो देयर फूज बैंगर मैम तो फोर्थ वाला फिफ्थ वाला डी रा फॉर 10 तो इसमें फिफ्थ वाले में एक साइकिल जा रहा है तो द रा फॉर 10 दिराड़ फारे रिन डार्फ निश्ट वारतेन फारे दार्स निश्ट फारेन या रिश्तिश उडर द मतलब ये एक सेंटेंस हो सकता है दी राड फारेरिन दार्फ निश्ट फारेन ओडर दी राड फारेरिन मोस वार्टन। ओके तो हाँ हम ये दो सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन कर सकते हैं दी राड फारेरिन मोस वार्टन जी दार्फ निश्ट फारेन। ओके तो अभी फिफ्थ सेंटेंस भी हो गया हमारे फोर्थ तक पहले ही हो चुके थे फिफ्थ भी हो गया अभी सिक्स्थ विल रीड सिक्स्थ सेंटेंस। राहुल हो गया आपका अभी लिख के कैन यू प्लीज रीड सिक्स्थ सेंटेंस द फायर वेयर टी फायरवेयर डाफ निक निश्ट वा फारन एस मस वाटन ओके अभी तो दी वाज बेटर एट द फायर फायर वेयर फायर इंजन यस फायर इंजन सो उसको कोई रूल्स नहीं होते ना सिग्नल के जैसे दे आर अलाउड टू गो यहाँ पे सेंटेंस एग्जैक्ट उल्टा होगा द फायर वेयर डार्फ फारेन एस सॉरी जी मोस्ट नीश्ट वार्टन ओके दैट इज अलाउड टू गो
मैम भले ही सिग्नल सामने लाल हो, उसको जाना अलाउड है ना। सॉरी सर, हाँ, तो इसलिए सिग्नल भले ही सामने रेड हो, द फायर वायर है, इसलिए हमारा सेंटेंस ऐसे आएगा, द फायर वायर दार फारन जी मुस निश्ट वार्टन। ओके, नुमर जीबिन अर्णव। या अर्णव, अर्णव है लेक्चर में? यस अर्णव, कैन यू हियर मी? प्लीज रीड 7 सेंटेंस। ओके, नो प्रॉब्लम। राहुल, प्लीज रीड 7 सेंटेंस ऑल्सो। डेफ फूस गेंगर डार्फ निष्ठ गहन एस्मा स्वार्टन नंबर जीबन, डेफ फूस गेंगर हमें मीनिंग नहीं चेंज करना है देखो सेंटेंस का, ठीक है? उसके सामने ग्रीन सिग्नल है तो हमें उसको जाने देना है। दरफूस गेंगर, मुस गेहन, बस निश मैम हाँ उसे जाना है ना, तो व्हाट यू कैन डू विथ सेंटेंसेस इज दरफूस गेंगर दार्फ गेहेन एर मुस निश्ट वार्टन ओडर देर फूस गेंगर मुस गेहेन एर दार्फ निश्ट वार्टन। ओके, कैसे भी चेंज करके मीनिंग सेम रखना है। दार्फ निश्ट का कॉम्बिनेशन यूज करो, मुस निश्ट का कॉम्बिनेशन यूज करो। उसको अगर जाना है तो आपके सेंटेंस का मीनिंग ऐसा आना चाहिए दैट दैट पर्सन शुड गो इज और दैट पर्सन मस्ट गो और इज अलाउड टू गो। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो, दिस देयर फूस गेंगर दार्फ गेहेन एर मुस निश्ट वार्टन। ओके, मीनिंग सेम ही रहेगा। दार्फ गेहेन मतलब इज अलाउड टू गो, ही मस्ट नॉट वेट, तो मीनिंग सेम ही रह जाएगा। आया समझ में अभी? हाँ, हमें उसका मतलब सेंटेंस का मीनिंग अगर ऐसा है कि वो जा सकता है तो हमें ऐसा नहीं करना है कि उसे रोकना है, उसे जाने ही देना है, बट सेंटेंस ऐसे फ्रेम करना है कि मूस और वार्टन का अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करके। दैट्स इट। ओके, यस अर्णव, आई वॉज आस्किंग टू फॉर यू टू रीड 7 सेंटेंस। नो प्रॉब्लम, 8 और 9 भी अभी मैं आपको करके बताती हूँ, फिर आप ये सेम चीज़ होमवर्क के लिए कर लीजिए। ओके, नंबर 8, देर मोटर आर फायर। अभी अगर नंबर 8 देखने जाए हम लोग तो उसका क्या है, उसको आइडियली रुकना चाहिए क्योंकि वो सिग्नल तोड़ के आया। ऐसा अगर हम लोग इमेजिन करें कि जो नुमर स्वाई के आगे जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ के वो फास्ट आ रहा है, तो नुमर आक्ट मुस वार्टन एर दार्फ निश्ट फार, ऐसा सेंटेंस का कॉम्बिनेशन हम लोग कर सकते हैं। ओके, ही मस्ट वेट, ही इज नॉट अलाउड टू राइड। ओके, मीनिंग सेम रहेगा। एक सेंटेंस में हम लोग मुस वार्टन कर रहे हैं, दूसरे में हम लोग इज नॉट अलाउड टू गो ऐसा बोल रहे हैं। जो 9th सेंटेंस आएगा उसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं, दस आउटो दार्फ। नंबर 9 में क्या है? यस, नंबर 9 में उसके सामने कुछ भी सिग्नल या कुछ नहीं है, बट सामने से एक बाइक आ रही है। सो दस आउटो मुस वार्टन, भले ही उसके सामने कोई सिग्नल नहीं है बट एक गाड़ी आ रही है, इसलिए दैट ऑटो और दैट कार शुड वेट और मस्ट वेट एस दर्फ निश्ट फारन। अभी यहाँ पे हम लोग मेन आपको कौन से चीज़ पे फोकस करना है, ये सेम चीज़ें आप होमवर्क के लिए एक बार लिख के लीजिए तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप चाहे तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आपके सामने, तो अरे हाँ, ये चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से नंबर का क्या क्या चीज़ करना है। ठीक है,
ये जब आपका होगा तो इसमें दो चीजों पे फोकस जाएगा। एक तो वो पर्टिकुलर चीज का, मतलब देर फूस गेंगरीन, देर फूस गेंगर ओडर दी फूस गेंगरीन, इसमें आपका आर्टिकल कौन सा यूज हो रहा है, और वो आर्टिकल के हिसाब से आपके जो सेकंड सेंटेंस होगा, जो मीनिंग का सेम होगा बट उसमें निस्ट दार्फ और मूस का अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा, वो सेकंड सेंटेंस में आपका जो प्रोनाउन है वो कौन सा यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पहला सेंटेंस है दी फूस गेंगरीन और उसके आगे जो मॉडल वर्ब और वर्ब है वो जाएगा। आपका सेकेंड सेंटेंस विल इट बिगिन विथ जी एस ओडर एर, अगर आपके सेंटेंस का पहला सेंटेंस दी फूस गेंगरीन है तो आपका सेकेंड सेंटेंस किस चीज से चालू होगा? आप होमवर्क के लिए करोगे इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये पूछ रही हूँ कि डिफ्यूज गैंगरीन अगर आपके पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो आपका सेकेंड सेंटेंस एर से चालू होगा, एस से चालू होगा या जी से चालू होगा? जी से रिश्तेश्वारों डिफ्यूज गैंगरीन इज फेमिनिन, और इसके लिए हमारा फेमिनिन का जो प्रोनाउन है दैट इज जी, फॉर दैट रीजन जी आपका स्टार्ट होगा। देयर फूस गेंगर आप अगर आप यूज करोगे तो योर सेकेंड सेंटेंस विल स्टार्ट विथ एर। इफ यू आर गोइंग टू यूज दस आउटो देन योर सेकेंड सेंटेंस विल स्टार्ट विथ एस। इज इट क्लियर? तो जो जो भी हमने अभी किया फर्स्ट टू नाइन सेंटेंसेस वो सेम आप फिर से एक बार होमवर्क के लिए कर दीजिए, ठीक है? जो दिया गया सेंटेंस है उसको और कौन से तरीके से चेंज कर सकते हो ये थोड़ा सा देख लो, तो आपको एक बार सेंटेंसेस फ्रेम करने का भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसमें से। ओके या अभी इसके बाद एक्चुअली मिक्स्ड एक्सरसाइजेस है, तो वो करने से पहले हमें वोलन उन झोलन का करना है, तो हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम बचा है तो वोलन उन झोलन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। उसके पहले कि ये छोटा सा पैराग्राफ है, विल रीड दैट पैराग्राफ। ओके जस्ट रीडिंग श्लोक, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Yes, ma'am. यस, रीड दैट दिस पैराग्राफ। Yosham Pensler, ein und zweifach studiert in Leipzig Biologie. Seine Zimmer ist ein Zoo. Zurzeit hat er sechs Schlangen, sechs und zwei Fischspinnen, 14 Fiesen Maus und ein Krokodil, Ja, aber richtig. hat Okay, wait, wait. kein Telefon und kein Radio. Okay, Einen wait, wait, Fernseher stop. hat er auch nicht. Yes, Anna? okay. Yes, wait. Now next, Arnav, please read next. Ich höre keine Musik und ich brauche Unterhaltung. Nur Bücher brauche ich Unbedingt. Unbedingt und meine Terror. Terror sind mein Hobby und sie kosten viel Zeit. साइड या ओके रिशिश। तो अभी ये जो आपके आपने अभी जो पैराग्राफ पढ़ा दोनों ने मिलके, इसमें से आपको क्या क्या करना है इसका आप ये तो स्क्रीनशॉट लेके रख दो आपके पास, कौन से वर्ड्स हमारे हो गए हैं। ओके आपके हिसाब से कौन से वर्ड्स, नंबर्स, कुछ भी जो भी आपको इस पैराग्राफ में से समझ में आ जाएगा, ऐसे वर्ड्स की और नंबर्स की आपको लिस्ट बना के रखनी है। ओके इज दिस क्लियर फॉर दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, इसका मीनिंग क्या है और क्या है, ये सारा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि इसमें आपके नोन कौन से वर्ड्स हैं, वो छोटे छोटे भी हो सकते हैं, इन बियोलॉजी, इस्ट, आइन, एयर,
जो भी जितने भी वर्ड्स आपने अभी तक देखे हैं ऐसे वाले वर्ड्स के आप लिस्ट बना के रखोगे. ओके, दैट विल बी योर होमवर्क. या तो आप अभी भी बना सकते हो, 2 मिनट है अपने पास तो उसमें. ओके, सो आई विल गिव यू दैट टाइम टू डू इट राइट नाउ. उसका क्या करना है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. सिर्फ वो लिस्ट बना के रखो कि ये पर्टिकुलर चीज़ में हमारे नोन वर्ड्स कौन से हैं. ठीक है, डन हो गई दोनों वर्ड्स की लिस्ट बना के. हाँ, ओके. मैम यस मैम कोई पढ़ रहा नहीं है। किसकी हाँ नहीं, आपको जो आपको लिस्ट बनानी है मैम? कौन से वर्ड्स आपको नोन है इसमें से, ये पैराग्राफ में से उसकी. ठीक है मैम। हाँ, अभी आप टाइम हमारा खत्म होने को आया तो आप ऐसा एक काम कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो और फिर वही सारी चीज़ें आप आपके नोटबुक में बाद में लिखते रहो. ठीक है, ओके, हो गई. अभी बाकी राहुल हो गई लिस्ट, हो गए वर्ड्स ऐसे जो आपको फमिलियर थे पहले. क्या, वेरी गुड. सो इसका, ये वर्ड्स का क्या करना है और इस पैराग्राफ का क्या मीनिंग है, उसके ऊपर जो एक्सरसाइजेस हैं वो सारा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके, फॉर नाउ डांक उन चूस. तांपा जोशन। या,